रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे सब ठीक ठाक खैरियत है। मैं हूँ आपका दोस्त अताउर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल ARSS पेशावर। जी दोस्तों, आज एक अजीब किस्म का वाकया हो गया। ठीक है, इस मुर्गी को तो आप जानते हैं, मेरी क्वीन मादी है। ठीक है, इसने कितने बच्चे निकाले? इधर ने 8 बच्चे निकाले, 9 में से इसने 8 बच्चे निकाले। सही है, ये थी कहाँ पर? ये वहाँ थे नीचे। ठीक है, यहाँ मैंने इसको रखा हुआ था। सही है दोस्तों, यहाँ से मैंने अब इसको यहाँ रख दिया। अगर मेरी वीडियो आपने देखी हो तो उसमें इसने एक अंडा जो है वो उसको हैच नहीं किया हुआ था। ठीक है जी दोस्तों, इस वीडियो में आप देखें, ये एक अंडा, ये देखें, ये हैच नहीं हुआ था। तो वैसे मैंने सोचा चलो ये नीचे मुर्गी कूड़ा के अंडे नहीं है मेरे पास, इसके नीचे मैं लगा दूँ। ठीक है, आज है जी, आज क्या हुआ, सुबह मुर्गी उठी है, उससे दाना पानी भी किया है। ठीक है, और उधर जाके मट्टी वट्टी में भी के लिए खूब, मैंने भी लिफ्ट नहीं कराई। ठीक है, मैंने कहा ऐसे भी ख़राब अंडा पड़ा हुआ है नीचे। अभी दोपहर को जब घर आए हुए, आप यकीन मानिए, मेरा ऐसे ही शक हुआ है कि मुर्गी ज़रा उठी उठी सी है। जब मैंने देखा तो उसने माशाल्लाह से वो अंडा जो है हैच किया हुआ था 25 दिन बाद। अच्छा, अंडा जो है वो हैच होता है, जरा स्टॉप कर दें मैं अंदर जाओ। आपको पता है अंडा जो है वो 20वें दिन चूजे हैच होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, निकलना शुरू हो जाते हैं, 21वें दिन सारे निकल आते हैं। तो ये एक अंडा रह गया था, उनको मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, इसको मैंने नीचे ले आया। तो आज जब मैंने देखा तो मैं आपको देखा, तो आज ये देख ले, ये देखो सफ़ेद बच्चे निकाले हुए हैं माशाल्लाह से। हैरान रह गया था, मैंने कहा ये क्या चक्कर है। ठीक है, ये देख लो जी, ये वो अंडा है, अंडे का खोल है। ठीक है, और ये वो चूजा है, ये देखिए माशाल्लाह, बिल्कुल सफ़ेद चूजा आया हुआ है। ठीक है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, मज़ा आ गया, यूनिक है। अब इसका नाम मैं लिखूँगा लाडला। ठीक है, क्योंकि इस मुर्गी के पता नहीं कैसी किस्मत है कि अगर आपको याद हो पिछली दफ़ा जब इसने बच्चे निकाले तो 13 में से एक बच्चा निकाला था लाडला नाम। तो ठीक है ना, वो तो मैंने गिफ्ट कर दिया था काशिफ भाई को। अब ये एक अंडा मैंने ऐसे ही रखा था, प्लास्टिक के अंडे भी रखे हुए मैंने, ये प्लास्टिक के अंडे, ये मैंने इसलिए रखे थे कि बस ये मुर्गी बैठी रहे बेचारी, इसका कुड़क है तो शौक पूरा हो जाए इसका। आज मैंने देखा तो खैर से 25वें दिन इसने अंडे से बच्चा निकाला हुआ था। ठीक है, और वो भी सफ़ेद बच्चा माशाल्लाह से। चलें जी, वेट कर लिया करें। ठीक है, आज सुबह मेरे एक मेरा सब्सक्राइबर, उसके साथ ये डिस्कशन हो रही थी, उसने भी कहा भाई एक्स पे जो है बच्चे कुछ निकल गए कुछ रहते हैं, तो बातें हो रही थी, वो कोई वीडियो भी सेंड कर रहा था बेचारा, कुछ मर गए थे, कुछ निकल रहे थे, कुछ क्या हो रहा था, परेशान था। मैंने कहा परेशान मत, ही होता रहता है। तो घर आया हूँ, मैंने वैसे ही इसको चेक किया, वैसे ही मेरी आदत है मुर्गी चेक करता हूँ तो माशाल्लाह सफ़ेद बच्चा निकलता। मैंने कहा चलो भाई इसका शौक करेंगे आगे। ठीक है ना, चलो मैं केज से बाहर निकलता हूँ ज़रा। जी दोस्तों, माशाल्लाह से मौसम काफ़ी अब मुतदिल हो गया है। ठीक है ना, धूप निकली हुई, हवाएं चल रही हैं, तो हवाएं की नुकसान नहीं करती खैर, क्योंकि बहुत गर्म हवाएं ना, ठंडी हवाएं नहीं है, इनका ज़रा शौक करवाएं इनको माशाल्लाह से। देखें ये सुस्त था, अब माशाल्लाह कैसे एक्टिव है। देखें ये एक सफ़ेद निकला है माशाल्लाह, सिर के ऊपर एक ब्लैक डॉट तो है, लेकिन ये भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आ जाए जी, ये अंडे देखें, इसके नीचे मैंने अंडे लगाए, जब ये बच्चे निकले वो एक अंडा रह गया था। ये देखें, ये है हमारे पास अमरोहा। ठीक है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये एक अमरोहा, ये दूसरा अमरोहा देखें माशाल्लाह। ठीक है जी, और ये आपका आ गया जी तीसरा अमरोहा, तीन अमरोहे हैं माशाल्लाह से। ठीक है ना दोस्तों, ये एक पीला है, ये सफ़ेद में, लेकिन ये इसके पर्दे के पर पे काले आ गए, तो सफ़ेद कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, सफ़ेद की कोई गारंटी नहीं होती। सही है दोस्तों, माशाल्लाह माशाल्लाह, और इस तरफ माशाल्लाह से 9 चूजे इधर हैं। ठीक है, ग्रोथ चेक करें इनकी, माशाल्लाह से ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। ठीक है, तो देखें माशाल्लाह, दो उधर कड़े। ठीक है, बाकी ये सफ़ेद भी हैं, चीने भी हैं, अमरोहा भी है इसमें। ठीक है, मिक्स है, लाका भी इसमें मौजूद है। सही है दोस्तों, उनको देखे आप, उनको देखे, आ तेरी या तेरी या तेरी जब मार दी। चलो भाई, ओहो हो क्या बात है, चलो शाब आप भी जंप लगाओ, शाबाश, आ तेरी, ओ तेरी। चलो आप किस किस का वेट कर रहे हो, शाबाश।
शब दरवाज़ा बंद हो रहा है, शब शब शब, ओह दरवाज़ा बंद हो गया। चलो जी इसने भी जब मार दिया नीचे, इसको देखिए बच्चों को छोड़ के, बच्चों को छोड़ के अकेला और नीचे आ गई है। इसको मैं ऊपर भेजता हूँ, ठीक है। या चलो छोड़ो ये चावल मोल का ले यार, ठीक है ना, उनका शौक कराता हूँ आपको मैं। मेरा गला ख़राब है, गला बैठा हुआ, पकौड़े बहुत काली है मेरे, इस वजह से अफ्तारी में ना। ये देखे माशाल्लाह से, माशाल्लाह से खुद ही निकले केज से और इन्जॉय कर रहे हैं, ठीक है। चावल मोल पड़े थे, मैंने चिड़ियों को भी डाल देता हूँ ना चावल, चिड़िया भी खा लेते हैं, कभी कौए भी आ जाते हैं, वो भी रोटी वगैरह खा लेते हैं, तो इनकी नज़र पड़ी है, बस ये आ गए इनके पीछे। देखें इनको मैं अभी अंदर ले जाता हूँ, क्योंकि बाहर ज़रा जगह ठंडी है ना, मुनासिब नहीं है, हवा चल रही है लेकिन फिर भी हवा मुनासिब नहीं होता इनके लिए। वो कुड़क मार दिए, देखे कैसे गुस्से में। देखा अब इसको पता नहीं है कि मेरे बच्चे कहाँ पे। माशाल्लाह माशाल्लाह, देख मेरे केजेस खाली हो गए थे, अब दोबारा केजेस भर गए खैर से, ठीक है ना। तो एग्स जिन जिन दोस्तों को चाहिए हो भाई वो रब्ता करें, ऐसा ज़बरदस्त पैकेज बना के दूंगा आपको मैं, चार पांच किस्म। वो देखे ऊपर चली गई, चली गई, चली गई, चली गई ऊपर, देखे। चले भाई बंद कर देते हैं उसको यार, पर्दा नीचे करा देते हैं, इस पर अंधेरा हो जाए ताकि बच्चों को नीचे ले लें अपने, ठीक है। ये हो गया बंद, देखे ये माँ जी बच्चों को अपने नीचे नहीं ले रही, तो इसको मैं चादर नीचे कर दूंगा ना, बस ये फिर अपने नीचे ले लेगी, ठीक है। दोस्तों एक चाहिए हो भाई रब्ता करें इंशाल्लाह। पहले जो है ना आप ऐसा करें कि जितने भी यूट्यूबर हैं, सबसे तो आप नहीं पूछ सकते लेकिन तीन चार से पूछ लें, उनका रेट ले लें, फिर मुझसे रब्ता किया करें, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि वाज़ फ़र्क आपको मालूम होगा, ठीक है ना दोस्तों। मेरा रेट जो है वो मुनासिब रेट है। चलिए जी बस ज़्यादा बातें नहीं कर सकता मैं, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।